ये मेरे गिरीश की दूसरी शादी है। मुझे मालूम नहीं था कि पेशीमा ने आपको एक कमरा दिया है। पिशिमा, ये देखिए गिरीश दा को गिफ्ट करने वाली हूँ, अभी जाके रैप करवा देती। आज आशिमा का बहु बात है तो मैं क्या करूँ? मेरे लिए रिश्ता केवल एक समझौता है और वो लड़की मेरी पत्नी नहीं बल्कि आपकी बहू है, तो जो भी रस्में पूरी करवानी है आप उसे करवाइए ना। और वैसे भी आज लाबोडी के नाम पर जो स्कूल खुलने जा रहा हूँ उसकी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ मैं, और ये मीटिंग मेरे लिए आपके इस भाववाद से हजार गुना ज्यादा जरूरी है। क्या दादा, अपनी फोटो देख ली, तेरा सारा सरप्राइज बेकार कर दिया। वैसे अच्छी है ना, इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ, कुछ बन जाओगी। आज हम तुम्हारे लिए आलू टमाटर का झोल और पूरी बनाए हैं गरम गरम। मार लल्ला ये खाएंगे अब। वो जो नीचे लोग आए हैं, किराएदार लोग, कौन लोग हैं? अरे है कोनो भिखारी लोग, तुमको का कावा भाई, अब कोनो भिखारी फारी नहीं है, हैं? उन लोगों का तो भाग खुल गया भाई। हाँ हाँ, आज तो वो लोग बहु भात के लिए जा रहे हैं, वो करते हैं बंगाली लोग शादी के बाद वो के लिए। लो बच्चा लल्ला, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। शादी में जो राशन दिए थे उसका हिसाब लेने हमको बहुत पहले राजबाड़ी चले जाना चाहिए था, पर कोनो बात ना। ए बिटवा, हाँ? तू राजबाड़ी चला जा और बिल मांगने के बहाने कम से कम हम उनके ध्यान में तो रहेंगे, तभी तो वो हमसे आगे का राशन मंगवाएंगे। और ये लोग भी जो है वहीं गए हुए हैं, तब तक हम बिल बनाते हैं। वो लोग भी वही गए हैं? हम तो बिहारी बोल रहे हैं। ए, तुम हमरे लिए खाना लगाओगी कि बेटे में भी लगी रहोगी? अरे देते हैं। सबके सब वहीं गए हैं, लगता है हमारे हीरोइन भी वहीं गई है। यहाँ पे लगाइए, थोड़ी सीधी दादा, एक मिनट। भाभी आप बताइए मुझे, यहाँ पे लगाऊं या फिर उस वाली बोल पे? हाँ, एक काम कर, तू जाके महाराज से पूछ ले उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। दादा आप एक काम कीजिए, यहीं पे लगा दीजिए। मैं नहीं जानती तूने क्या फैसला लिया है पापा। महाराज तेरा बहु भात है, समय कम था इसलिए कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया है मैंने, और तेरे घर पे भी न्योता भेजा है। मैं नहीं चाहती कि इस बहु भात में कोई भी कमी रह जाए, इसलिए ये रस्म अच्छे से पूरी हो जाने दे। उसके बाद तेरा जो भी फैसला होगा वो तू ले ले। देखिए बाउदी, पिशिमा ने एक से बढ़कर एक साड़ियां ली हैं आपके लिए, चाहो तो हर एक सेकंड चेंज कर सकती हो। पिशिमा, अपनी बॉडी के लिए गहने रखवाए थे ना? हाँ, तो फिर प्यार करो ना अपनी बॉडी को।
इतने अच्छे से तैयार करना, सारी दुनिया देखती रह जाए। दुनिया की तो छोड़ो पिशिमा, मेरी क्रिश दादा की नजरें नहीं हटनी चाहिए बाउदी से, नहीं तो बताइए बाउदी कौन सी पहनोगे, ये वाली या फिर ये वाली, कौन सी वाली पहनोगे? देख ले बहू, फैसला तेरे हाथ में। भिखारियों के घर की लड़की लाकर पिशिमा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। विक्रम, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। शिवानी, ये गिरीश फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दादा जल्दी करो ना प्लीज। बाउदी आप आराम कर लीजिए, मैं संभाल लूंगा। चलो अच्छा है, किसी को तो समझ में आया कि मैं इस घर में नौकरानी नहीं हूँ। सुबह से काम करते करते मेरी कमर में दर्द आ गया। ओह गॉड। अरे तारा सुना, आशिमा तैयार हो गई? जी पिशिमा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो गिरीश नहीं आया ना अभी तक, और सारे मेहमान आने लगे, तो एक काम आशिमा को जाके ले आ लीजिए। जी विशा। मैं अभी आई। नमस्कार। नमस्कार, आइए ना। हाँ, वो डील मैंने खुद ही रिजेक्ट कर। विक्रम बाबू, ये लोग कौन है? आपके रिश्तेदार तो नहीं लगते। ये गिरीश दा के ससुराल वाले। डोंट टेल मी गिरीश बाबू ऐसे घर की लड़की लाएंगे। ये गिफ्ट अंदर रखो और ध्यान से देखो सबने क्या क्या दिया। ओके जी मैम। संभल के। शिवानी, नो विक्रम प्लीज, अब तुम कुछ काम मत बोलना, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है। ऊपर आशिमा आराम से सत्सवर रही है और पिशिमा ने मुझे उस नौकरानी की भी नौकरानी बना दिया है। सीरियसली, ऐसे भिखारियों के घर की लड़की लाकर पिशिमा ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। विक्रम, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं अपने डैड के पास चली जाऊंगी। शिवानी, शिवानी बहुत सुंदर बहु लाई हो शांति, सत्य बोलछी। हाँ तो खूब चुनकर लड़की लाई है आप गिरीश के लिए, दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। लेकिन उसका जोड़ीदार है कहाँ? एक मीटिंग में गया है गिरीश, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप लोग बैठिए ना। चल बैठ। नैना, चलिए ना आप लोग बैठिए। अब क्या करूं, ये लड़का तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कितना सुंदर हार पहनाया शांति अपनी नई बहू को। बहू भी तो बहुत प्यारी है नंदा, और अब तो रॉय चौधरी खानदान की इज्जत है।
रानी बना के रखूंगी मैं इसे। आज मीठा नहीं बनवाओगी अपनी बहू से? मीठा ना रसोईया बना रहा है, मैं बस अपनी बहू से ना उसमें हाथ लगवाऊंगी, और वो भी बस शगुन के लिए। आशिमा अब तू ही बता दे, जीजा जी और कितना इंतजार करवाने वाले। वैसे शांति, गिरीश के लिए बहुपात से ज्यादा जरूरी काम कौन सा था? दरअसल उसकी एक मीटिंग है, उसी में देरी हो गई, उसे आता ही होगा। शंभू, ये दादा के ससुराल वाले हैं, पहले वहां चाय नाश्ता पूछो। माँ जी आप थोड़ी परेशान लग रही है। नहीं पिता, बस सोच रही थी कि अभी तक जमाई बाबू नहीं आए। हो गिरीश दादा, वो तो सुबह ही निकल गए, जरूर कुछ जरूरी काम होगा इसलिए। वैसे आप कुछ खा लीजिए, इंतजार करना बेकार होगा। कोई बात नहीं, जब तक बहू बात नहीं हो जाता मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जरा वहां जाके सर्व करो ना। हेलो, कुछ पता चला? नहीं पिछले बार दादा तो फोन ही नहीं उठा रहे, और जिनसे उनकी मीटिंग थी उन्होंने कहा कि मीटिंग कब की खत्म हो चुकी है। पता नहीं दादा कहाँ रह गए। हल्किन जी खाना तैयार हो गया है, वो रानी आएगी, मीठे में शक्कर डालेगी तो मीठा भी तैयार हो जाएगा। वो आ रही है, तब तक आप शंभू को बोलिए सबको चाय पानी दे। मुझे जल्दी से गिरीश का पता कर, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है पिछमा। मालिक, घर से बार बार फोन आ रहा है, क्या बोलूं उनको? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एक काम कर, गाड़ी रुक, एक काम करो, ये पैसे रखो और रिक्शा पकड़ के घर जाओ। अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो उनसे बोल देना कि तुम्हें मालूम नहीं है मैं कहाँ हूं। नहीं बो, कहीं गिरीश तुमसे रूठा तो नहीं है? इतनी प्यारी बहू है, इससे भला कोई कैसे रूठ सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, गिरीश रास्ते में ही है, अभी आ रहा है, बस अभी फोन पे बात हुई मेरी उससे। तारा जाके थाल लेके आ। आशिमा बेटा सब ठीक तो है ना? जमाई बाबू अभी तक क्यों नहीं है? माँ इसे कैसे पता होगा, ये भी तो हमारी तरह जीजा जी का इंतजार कर रही है ना। और तुमने टेंशन मत लो, ऐसा करो कि तुम कुछ खा लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें दवाई खानी है, और डॉक्टर ने कहा है अगर तुमने दवाई टाइम पे नहीं ली तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। मैं अनुष्ठान के बाद ही कुछ खाऊंगी। तो माँ जी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अब तो कुछ एक्साइटिंग करना ही पड़ेगा। वहां जाके सर्व करो। ओ माँ, तारा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इसमें बॉडी की सुहाग की निशानी थी और तुमने इसे गिरा दिया। तो गिरीश दादा भी अब तक नहीं आया, और ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन, बाप रे। छोटे बहू,
कोई बात नहीं। तारा दूसरा था लेके आओ। प्लीज आप लोग परेशान मत हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। माँ आप चिंता मत करो, आप बैठ जाओ, आशीम जरा दवाई तो देखना। ना ना पता नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और माँ का मन झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि आशीमा के साथ कुछ ठीक नहीं है। कुछ तो भी कर पड़े। माँ आप निकाल में परेशान हो रही हैं, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। आप तो देख ही रहे हो है ना, माँ को तो बेकार में चिंता करने की आदत है। माँ आपकी दवाई रहने देना। अरे लगता है मैं घर पर ही भूल आई। माँ मैं मेडिकल स्टोर जाकर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। अच्छा सुन जी पिछमा, कुछ कर जाए, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आशमा कुछ कह तो नहीं रही है लेकिन उसके मन में भी कुछ चल रहा होगा। उसकी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो आशमा को क्या मुंह दिखाएंगे। जा जल्दी जाओ गिरीश को बुला के ला। जी पिछमा। लाबुनी रॉय चौधरी, एक बड़े से पत्थर पर लिखा होगा तुम्हारा नाम लाबुनी। तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। बस बाबा कहाँ ले जा रहे हो, कुछ तो बताओ। अरे भरोसा रखो, दो कदम और बस पहुँच गए। प्लीज टेल मी ना। मुड़ो 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 बस। क्या सरप्राइज है? बस पहुँच गए। मैं खुलूंगा रुको। ओके। जन्मदिन मुबारक हो। वाह गिरीश, I seriously don't believe this. Is it finally land खरीद ली? हाँ। अरे मेरी लाबुनी मुझसे कुछ मांगे और उसे ना दो, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू, लव यू गिरीश, लव यू सो मच। जानते हो ये गांव कभी किसी से पीछे ना रहे, इसलिए मैं यहाँ गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना चाहती हूँ। देखो इधर आओ, यहाँ होगा एक बड़ा सा पत्थर जिस पे लिखा होगा लाबुनी रॉय चौधरी। वाओ मेरी पत्नी। थैंक यू गिरीश। लाबुनी समझा? अरे साहब मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो क्या आज यहाँ यही काम करता। आपको कैसे लिखवाना है एक कागज पर लिख दीजिए, मैं उसकी नकल कर लूंगा। ये लीजिए। अरे भाई मेरी भी तो अंग्रेजी कमजोर है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से किसी से लिखवा के आता हूँ। एक जी ठीक है। पता नहीं मुंशी जी कब से अंदर गए और कितना वक्त लगेगा। क्या हुआ दादा, कुछ चाहिए आपको? अरे वो मुंशी जी कब से अंदर गए अभी तक बाहर नहीं आए। एक नाम लिखना है गिरीश बाबू की पत्नी का अंग्रेजी में। क्यों? वो एक अंग्रेजी स्कूल बनवा रहे हैं अपनी पत्नी के नाम पर गरीब बच्चों के लिए, उसी की नींव रखनी है कल। लाइए मुझे पेन दीजिए, मैं लिख देती हूँ। मेरी ही बहन गिरीश मालिक की बीवी है, कागज भी दे दीजिए। जी लीजिए।
जी धन्यवाद। सच में आशिमा कितनी लकी है, उसके नाम पर स्कूल बन रहा है, आशिमा रॉय चौधरी, लाभुनी रॉय चौधरी। एक बड़े से पत्थर पर लिखा होगा तुम्हारा नाम लाभुनी, तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है, कल इसी जमीन पर तुम्हारे नाम का स्कूल होगा, इसी जमीन पर मेरी लाभुनी के नाम का स्कूल। ये नई बहू के हाथ में देके बोलो, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। खाने पीने की रहने की सारी जिम्मेदारियां मेरी। बस सर, आशीर्वाद।